हेलो फ्रेंड्स, रंजीतास किचन में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है मेथी पापड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और खास्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथी पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में एक कटोरी मैदा ले लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन इस तरह से हाथों से मसलकर इसमें डालेंगे। नमक स्वादानुसार, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे भी हम इस तरह से मसलकर इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, फिर इसमें हम डाल देंगे 2-3 चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और मुट्ठी बांध कर हम देख लेंगे। अगर मुट्ठी बंध जाए तो इसमें मोयन सही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे आटा गूंथ लेंगे। बस इसे हम इतना ही टाइट गूंथेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट अब हो गए हैं, इसे दोबारा से हम लेंगे। और इसकी बड़ी बड़ी लोई काट लेंगे। और हर एक लोई को लेकर इस तरह से लंबा कर लेंगे। फिर इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हर एक लोई को इस तरह से दबा दबा कर हम गोल कर लेंगे और इसकी एक पूरी बना लेंगे। पूरी को हम बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे इसे, बस इसे इतना ही मोटा रखना है। फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे कांटा से इस तरह छेद कर देंगे ताकि पूरी फूले नहीं। इसे एक बार और हम बनाकर दिखा देते हैं। देखिए, इसे इस तरह से पूरी बना लेना है। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और कांटा से इसमें छेद कर देंगे। बस यह अब तैयार है। इसी तरह सभी को हम बना लेंगे। यह सब अब बन गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें हम एक एक करके इसे डाल देंगे। देखिए, यह फूलकर कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ रहा है। बस इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर यह तैयार होता है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। बस अब यह हो गया, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसे गरम गरम चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसे बनाकर आप महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।